जय हिंद साथियों मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में बच्चे हम लोग जो हैं यहां से अंकित भाटी सर की जो एस एस की नई वाली बुकें हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं और यहां से अब हम इस टाइम जो है हिंदी की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं हिंदी में भी आज जो हमारा चैप्टर बच्चे नाइन नंबर का चैप्टर है क्या है प्रतिस्थापन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है तो चलिए बच्चे इसको हम जल्दी से शुरू करते हैं आप सभी भाई बहनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी लाइव हो जाइएगा वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का फायदा मिल सके चलिए बच्चे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें अब चलते हैं हम अपनी वीडियो के पास तो देखो यहाँ से जो नौ नंबर का चैप्टर है प्रतिस्थापन इसका मतलब बच्चे क्या है चलिए कर लेते हैं कि इस अध्याय में वाक्य में रेखांकित अंश होते हैं जिनमें कुछ न कुछ त्रुटि विद्यमान होती है उस त्रुटि के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है कहने का मतलब है बदलना ठीक है प्रतिस्थापन का मूलतः भाव वर्तनी शब्द तथा वाक्य के तार्किक क्रम को दर्शाना होता है इस अध्याय को गहराई से समझने के लिए उदाहरण स्पष्ट किए गए हैं चलिए बच्चे यहाँ से जैसे पहले देखो अग, अगर हम लोग कुछ उदाहरण है पहले उदाहरण देख लेते हैं उदाहरण फिर उसके बाद हम अपने यहाँ से प्रश्न लगाएंगे उदाहरण पहला है कि धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए बच्चे धर्म के तो धर्म के की जगह एक ही चीज आ सकती है क्या धार्मिक कामों में सहयोग करना चाहिए समझ गए आप आगे है विद्यापति के पद गाए जा सकते हैं तो गाए जा सकते हैं बच्चे गाए जाने को हम क्या कहेंगे गे हैं क्या है गे हैं आगे है सबिता पढ़ना लिखना जानती है तो इसको हम ऐसे ना कह सकते कि सबिता साक्षर है भाई साक्षर किसे कहते हैं जो पढ़ना लिखना जानता हो जो पढ़ा लिखा हो ठीक है आगे चार नंबर का सवाल है मुझे चमक वाले कपड़े पसंद नहीं है चमक वाले कह दो या चमकीले कह दो मेरे शेर क्या कह दो चमकीले तो आप लोग समझ चुके होंगे कि भैया किस प्रकार हम लोगों को यहाँ से करना कि यह कुमार तो सीधा है लेकिन इसकी स्त्री बहुत तेज है स्त्री को हम कुम्हारिन कह देंगे बच्चे कुम्हार की क्या होती कुम्हारिन होती है ठीक है नेक्स्ट है यहाँ से उसकी हरकतें गांव वालों जैसी हैं तो ऐसा ना कहते बड़ा ही ग्रामीण आदमी है यार ग्रामीणों जैसी है ठीक है आगे देखो बच्चे क्या यहाँ से मृत्यु जीवन का शाश्वत है शाश्वत मतलब बच्चे इसको हम क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया चिरंतन कहेंगे क्या चिरंतन कहेंगे आठ नंबर सवाल है रामचरित मानस की तुलना नहीं की जा सकती बच्चे तो रामचरित मानस क्या है अतुलनीय है जिसकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती नवा उदाहरण यहाँ से आपका है

गट्ठर आएगा रेबड़ आएगा टुकड़ा आएगा या ढेर आएगा बच्चे लकड़ी सॉरी लकड़ी है लड़की नहीं है लकड़ी तो देखो कोई भी है क्या कहेगा भैया ये आपने जो सिर पर रख रखा है लकड़ियों का गट्ठर क्यों रख रखा है ऐसी तो कहोगे लकड़ियों का गट्ठर गेहूं का ढेर होता है और लकड़ियों का क्या होता है मेरे शेर गट्ठर होता है तो इस सवाल का जवाब आपके का ऑप्शन नंबर ए होगा अगला सवाल यहाँ से है कि रेखांकित वाक्य में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द के बदले भरे यहाँ से क्या है भारत भारत को केकई की करनी पर करुणा हुई बच्चे करुणा हुई करुणा हुआ होगा बताइए जो भारत था तो आप कहेंगे उन्हें भारत को जो है केकई की करनी पर क्या हुआ होगा क्षोभ हुआ होगा क्या हुआ होगा क्षोभ हुआ होगा नेक्स्ट देखो अब तीसरा बच्चे यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े विख्यात माने जाते हैं बच्चे एक बड़े विख्यात माने जाते हैं तो आप कहेंगे एक उत्कृष्ट विश्लेषक तो मेरे शेर यहाँ से विख्याता की जगह हम लोग विश्लेषक की बात यहाँ कर सकते हैं जो तीन नंबर के सवाल का जवाब हमारे का बी है अगला नंबर का सवाल है रेखांकित शब्द शब् से हम लोगों को अब रेखांकित ही शब्द पढ़ना है, सोक है कि कि शोक शोक है मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं नहीं दे सका बच्चे सोक नहीं होता इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं दिशेर? के मुझे खेद है क्या है मुझे खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सकता मैं शर्मिंदा हूँ कहने का मतलब ये है आगे देखो क्या है अगला फिर रेखांकित शब्द में हम लोगों को बताना कि प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य सामान्य ज्ञान ज्ञान होना चाहिए बच्चे बोलेंगे इसको हम आप कहेंगे नहीं भैया इसको हम बोलेंगे क्या सामाजिक कहेंगे नहीं व्यावहारिक कहेंगे कि के हर व्यक्ति को हर भारतवासी को इसका कम से कम व्यावहारिक ज्ञान तो होना ही चाहिए आगे देखो जो अगला छह नंबर का सवाल है कि आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला बच्चे रथ क्या होता है तो आप कहोगे भैया रथ की जगह क्या बेस्ट आएगा आप कहेंगे व्यस्त आएगा मेरे शेर कहते ना कि मैं काम में व्यस्त तैयार इस वजह से नहीं आ सका नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में पान भरना बच्चे ऊंट के मुंह में पान भरना तो रेखांकित में स्थान पर शुद्ध वाक्यांश क्या होगा बच्चे तो आपने एक मुहावरा भी सुना होगा मेरे शेर क्या ऊँट के मुंह में जीरा भरना या जीरा देना तो बच्चे पान भरना नहीं आने का यहां से क्या आएगा जीरा कहते ना ऊंट के मुंह में जीरा ठीक है आगे देखो मेरे शेर यहां से अगला क्या होगा कि ऐसे साहित्यिक के रचेता अधिक मात्रा में व्याप्त है बच्चे अधिक मात्रा में व्याप्त हैं तो अधिक मात्रा में व्याप्त की जगह व्याप्त नहीं होने का क्या होगा विद्वान होगा और अधिक संख्या में विद्वान होगा ना कि मात्रा में ठीक है क्योंकि संख्या गिनी जाती मात्रा क्या होती तोली जाती है नेक्स्ट है निम्नलिखित यहाँ से भी हम लोगों को इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी बच्चे राजनेता थी वो बताइए क्या वो पुरुष थी आप कहेंगे भैया नहीं तो स्त्री के लिए क्या प्रयोग होता है राजनेत्री प्रयोग होता है क्या होता है राजनेत्री चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है कि टब पानी में ठूसम ठूस भरा है टब पानी से ठूसम ठूस बच्चे ठूसम ठूस बोलेंगे जो पानी होगा उसको कहते हैं हम लबालब कहते ना यार ये तो पूरा लबालब भरा है क्या है लबालब भरा हुआ है चलिए एक और अच्छा सा सवाल बच्चे यहां से देखो क्या है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है शेर युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है आप कहेंगे भैया युवराज की जगह तो कुछ और आना चाहिए क्या कहलाता है वो तो आप कहेंगे भैया यहां से देखो जो युद्ध की इच्छा रखने वाला है है उसको हम क्या क्या कहते हैं आप कहेंगे युयुत्सु युयुत्सु बच्चे होता युद्ध की इच्छा रखने वाला आगे है वह उसका चश्मा भूल गया ठीक है वह उसका चश्मा बच्चे वह खुद अपना चश्मा भूल गया तो उसका क्यों आएगा यहाँ से अपना आएगा वह अपना चश्मा भूल गया ठीक है आगे हम लोग देखेंगे यहां से भी देखो क्या है कि आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ बच्चे आज दोपहर के बाद तो दोपहर के बाद का जो समय होता है मेरे शेर वो अपराहन होता है कि आज अपराहन मैं व्यस्त हूँ ठीक है अपराहन होता है दोपहर के बाद का समय आगे है कि यहां से है विनय के पुस्तक पढ़ी बच्चे विनय के पुस्तक पढ़ी बताइए बिना के पुस्तक नहीं जी तो आप कहेंगे विनय ने पुस्तक पढ़ी किसने पुस्तक पढ़ी विनय ने ठीक है आगे है कि राम की बाणी से परशुराम का अहंकार का हो गया बच्चे अहंकार अहंकार बोलेंगे उसको बताइए अहंकार से बेस्ट यहाँ से क्या आएगा दर्प आएगा क्या आएगा मेरे शेर दर्प क्या आएगा दर्प आएगा आगे देखो यहाँ से क्या आए? आगे है मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त क्या आएगा तो बच्चे दीजिएगा नहीं देना कोई हाथ में देंगे नहीं भाई भेजा जाएगा तो आप कहेंगे भेजिएगा क्या आप कहेंगे भेजिएगा चलिए एक और अच्छा सा सवाल है कि मैं आशा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं बच्चे आशा कहूँ आशा करूंगा बताइए क्या मैं आशा करूंगा नहीं भाई आशा नहीं मैं चेष्टा करूंगा पहुंचने की आपके पास समय पर ठीक है एक और अगला सवाल बच्चे क्या है कि लोग बड़ी मात्रा में जाम हो गए बच्चे बड़ी मात्रा कहेंगे बड़ी संख्या कहेंगे बताइए या बड़ी भीड़ कहेंगे तो यहाँ से देखो हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं तो बच्चे यहाँ से हम कहेंगे कि लोग बड़ी संख्या में बच्चे बड़ी संख्या में कहते ना कि यार वहां पर बड़ी संख्या में लोग जमा थे भाई कहीं भीड़ भी होगी तो आगे अगला है शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा बच्चे दौड़ खड़ा होने का तो हमने आज तक नहीं सुना कि शत्रु मैदान छोड़कर भागा ऐसे तो कह सकते हैं लेकिन दौड़ खड़ा हुआ हमने नहीं सुना तो हम क्या कहेंगे भाग खड़ा हुआ बच्चे भाग खड़ा हुआ आगे है बे जन्म पर्यांत्र ब्रह्मचारी रहे बच्चे जन्म पर्यांत मतलब जीवन से लगातार तो आप कहेंगे भाई के वो शुरू से अंत तक जितना उनका जीवन था जीवन पर्यंत वो क्या रहे बच्चे तो इसको हम कहते हैं आजन्म क्या जन्म से और अब तक ठीक है मेरे शेर तो इस सवाल का जवाब हमारे का क्या आएगा आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आएगा चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके पास है कि प्रतिदिन रियाज करने के कारण वह प्रवीण हो गया बच्चे रियाज नहीं होता ठीक है आप कहेंगे भैया रियाज नहीं होता वो क्या होता अभ्यास होता कहते हैं ना डेली अभ्यास करो मेरे शेर आगे यहां से है कि हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी हैं बच्चे हमारे गले में स्वधीनता की बेड़ियाँ है। हैं हमारे ग हाथों में है हमारे पैरों में है या हमारे पैरों में है तो आपको यहाँ से बताना है क्या होगा इस सवाल का जवाब तो आप कहेंगे हमारे पैरों में क्योंकि बेड़ियाँ जो हैं बच्चे पैरों में डाली जाती ना कि गले में ध्यान रखना गले में बेड़ियाँ नहीं डलती बेड़ियाँ पैरों में डलती हैं आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा जो अपराधी होते हैं उनकी बेड़ियाँ डली हुई होती हैं वह मिलन सारथा इसलिए उसने कई अपने बना लिए बच्चे कई अपने बना लिए तो अपने बनाएगा बताइए वो या मित्र बनाएगा बताइए यहाँ से आप खुद बताइए तो आप कहेंगे भैया उसने कई मित्र बना लिए अपने नहीं मित्र बनाने होते हैं ठीक है आगे है मैंने उसे बहुत समझाया पर बहा बहा न मानी बहा नहीं बच्चे इसका बह होगा बह न मानी कौन है स्त्री है देखते हैं इसमें है क्या कुछ बह के बह यह है या कुछ और हो जी हाँ बिल्कुल हैगा बह न मानी तो आप कहेंगे भैया जो चौबीस नंबर का सवाल है उस सवाल का का जवाब है है ए चलो अगला देखो क्या है कि लोग रंगीन चांदनी के चांदनी के में नौका बिहार आनंद ले रहे हैं बच्चे रंगीन रंगीन तो खुद होता है रंगीन चांदनी बताइए इससे बेस्ट क्या आएगा मेरे शेर तो आप कहेंगे भैया रंगीन चांदनी नहीं थी बह तो धवल चांदनी थी क्या थी बहुत ज्यादा चांदनी तो धवल बोलेंगे उसको नेक्स्ट है यहां से बच्चे को काट कर आम खिलाओ मतलब बच्चे को काटना या आम को काटना बताइए देखो यहाँ से बच्चे को काट कर नहीं बच्चे को काटकर नहीं होने का कभी भी आम को काटना पड़ेगा बच्चे आम को ठीक है आप बच्चे को नहीं काटोगे तो आप कहेंगे आम काटकर आम काट कर बच्चे आम काट कर बच्चे को काट कर नहीं तो इस सवाल का जवाब होगा आम काट कर आगे है दूध को कौन पड़ गया दूध में कौन पड़ गया कौन होगा बताइए कहते ना यार दूध में क्या पड़ गया ये ठीक है दिख रहा भाई कुछ पड़ चुका है तो आप कहेंगे दूध में क्या पड़ा हुआ है तो आप कहेंगे मक्खी या कुछ भी पड़ गया आगे है पूजनीय पिताजी का आदेश है मेरे शेर पूजनीय पिताजी होता है या पूज्य पिताजी होता है पूज्य पिताजी मेरे शेर पूज्य होगा इस सवाल का जवाब 29 नंबर का सवाल आपके सामने है कि सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार हरियाली कम है सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार हरियाली कम है बच्चे हरियाली से मैटर होगा यहाँ से या किसी और चीज से होगा तो आप कहेंगे भैया फसल कम है सूखा पड़ गया तो फसल क्या हो गई कम हो गई आगे तीस नंबर का सवाल है हमें अपने माता पिता की श्रुश्रूषा शुश्रूषा करनी चाहिए मेरे शेर हमें अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए गुस्सा करना चाहिए नौकरी करनी चाहिए भक्ति करनी चाहिए सेवा तो आप कहेंगे भैया सेवा ही करनी पड़ेगी माता पिता की तो और करनी अच्छी बात है आगे देखो क्या है इकतीस नंबर का सवाल यहाँ से आपके पास स्क्रीन पर है सवाल है एक और एक बारह होते हैं भाई ये तो पहली बार सुना है कि एक और एक बारह एक और एक कितना होता है ग्यारह होता है तो इसका सवाल का जवाब होगा बी आगे है भोजन बहुत सुंदर बना बच्चे भोजन भी सुंदर बनता बताइए या स्वादिष्ट बनता तो आप कहेंगे भैया स्वादिष्ट बनता भोजन तो तो देखो ऐसे छाटना होता आप लोग बड़े ही आसानी के साथ इन प्रश्नों को छाट रहे होंगे आगे है गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका बच्चे गोलियों की बाढ़ नहीं होती बोछार होती कहता नहीं गोलियों की बोछार हो गई वहां पर तो ठीक है कहीं युद्ध चल रहा था तो वहां गोलियों की बोछार हो गई अगला चौतीस नंबर का सवाल है कोयल सूख कर राख हो गई कोयला सॉरी कोयला सूख कर बच्चे कोयला सूखेगा कोयला जल कर राख हो गया क्या कोयला जल कर राख हो गया जो चौंतीस नंबर का सवाल है उस सवाल का जवाब यहाँ से भी है चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके पास है कि प्रेमचंद्र ने गोदान की रचना लिखी बच्चे रो गोदान की रचना लिखी नहीं लिखी नहीं गोदान की रचना की आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का जवाब बिल्कुल सही होगा गोदान की रचना की है आगे है आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है दर्जा नहीं बच्चे दर्जा नहीं आएगा आपके रहन सहन का जो आएगा यहाँ से स्तर आएगा मेरे शेर स्तर ऊंचा है क्या है स्तर ऊंचा है आगे है उन्होंने अपने बड़े बेटे को श्रद्धांजलि दे दी श्रद्धांजलि दे दी इस वाक्य में आप लोगों को बताना है जो सैंतीस नंबर का सवाल है तो आप कहेंगे तिलांजलि होगा बच्चे श्रद्धांजलि नहीं होने का तिलांजलि होगा ठीक है चलिए एक और अच्छा सा सवाल है मेरे से कुछ न पूछो इस वाक्य में रेखांकित वाक्य बच्चे मेरे से, मेरे से की जगह क्या आएगा तो आएगा से। मेरे से की जगह क्या आएगा मुझसे आएगा तो आप कहेंगे जो 38 नंबर का सवाल है इस सवाल का जवाब मेरे भाई कितना होगा सी होगा चलिए उनचालीस नंबर का सवाल है कि पगड़ी ओढ़ कर आओ बच्चे ओढ़ना नहीं होता है पगड़ी पहनना होता है क्या होता है पगड़ी सॉरी पहनना या बांधना यहाँ से देखो बहुत अच्छा सवाल है बच्चे पगड़ी पहनना होगा या पगड़ी बांधना होगा तो आप कहेंगे भैया पगड़ी बांध कर आओ बांधना होगा क्योंकि कुर्ता पहना जाता है पगड़ी बांधी जाती है ठीक है चलिए अगला सवाल चालीस नंबर का देखो क्या है कि गीता को आचार अचार अच्छी लगती है भैया अच्छी लगती है या अच्छा लगता है तो, तो आप कहेंगे भैया अच्छा लगता है यहाँ से ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है कि बेटों में युद्ध हो गई बेटों में युद्ध हो गई बताइए युद्ध क्या है एक पुरलिंग है तो यहां से लड़ाई या पिटाई आएगा तो क्या हो गई बेटों में लड़ाई हो गई तो एक नंबर के सवाल का आंसर आपके का डी होगा चलिए आ गया है एकमात्र दो उपाय हैं बच्चे एकमात्र कहते हैं जो उसके अलावा और कोई हो गई ना और यहाँ तो दो और दे दिए तो यहां हम कहेंगे कि के केवल दो उपाय हैं केवल कितने उपाय हैं मेरे भाई इस बात के केवल दो उपाय हैं ठीक है आगे अगला सवाल यहाँ से है कि आज से यह नियम चालू नहीं होता नियम क्या होते हैं लागू होते हैं नियम क्या होते हैं चालू नहीं होते है. नियम लागू होते हैं आगे है गज भर की मकान होना बच्चे गज भर की मकान नहीं गज भर की जबान होना जुबान जो हम कहते हैं ना बड़ी बोल रही भाई तेरी तो गज भर की जुबान है ना तो चवालीस नंबर के सवाल का जवाब हमारे का क्या होगा बी होगा चलिए एक और अच्छा सा सवाल है कि इस आशा में विश्राम करता रहा कि मुझसे मुलाकात हो जाएगी इस आशा में विश्राम करता रहा विश्राम का मतलब ही नहीं होने का है ठीक है तो आप कहेंगे भाई 45 नंबर के सवाल का जवाब है प्रतीक्षा क्योंकि मुलाकात का मतलब है तो इंतजार करना पड़ेगा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी चलिए अगला सवाल देखो मेरे भाई यहाँ से क्या है कि वह आंखों से कुबड़ा है बच्चे आंखों से कभी भी कुबड़ा हुआ है आदमी आप बताइए नहीं दृष्टिहीन होता है क्या होता है दृष्टिहीन होता है तो छियालीस नंबर के सवाल का जवाब डी होगा चलिए एक और अच्छा सा सवाल सैंतालीसवा है कि मैंने कल दिल्ली जा रहा हूँ बच्चे मैंने नहीं मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ तो इस सवाल का जवाब आपके का क्या होना चाहिए आप कहेंगे भैया इसका सी होना चाहिए देखो बहुत ही सस्ते सवाल हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से बना रहे होंगे वह पौधों को खींचती है खींचती नहीं सींचती होगा मेरे शेर सींचती है तो सींचती ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि उसके पाँच सौ जुर्माना हुआ उसके नहीं उसको या उसे उसे कह देंगे हम यहाँ उसे पाँच का जुर्माना हो गया जो भैया नियम तोड़ के भागा था तो आगे देखो क्या है कि घोड़ा जंगल की तरफ भागा बच्चे जंगल की तरफ नहीं होता आप कहेंगे जंगल की ओर होता है मेरे शेर घोड़ा जो है जंगल की ओर भागा और और भी कौन सा एक मात्रा वाला होता है और ये होता और, और मतलब एक और या कह दो तो ये नहीं ये वाला होगा बी आंसर इसका आगे है कि उसने अपने दोस्त को जन्मदिन पर श्रद्धांजलि भाई श्रद्धांजलि देगा जन्मदिन पर भी बताइए जरा तो आप किंग भैया जन्मदिन पर तो बधाई दी जाती है क्या दी जाती है बधाई दी जाती है हैप्पी बर्थडे बोला जाता है आगे देखो क्या है वह पढ़ना मांगता है भाई मांगना मांगता है या पढ़ना चाहता है बताओ पढ़ना पढ़ना चाहेगा ही तो आदमी या मांगेगा भाई मुझे पढ़ना दे दो पढ़ना क्या चीज है कहाँ से दे दें दे भाई इस सवाल का जवाब ये होगा चलिए एक और अच्छा सा सवाल है मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा ठीक है आ, मतलब रविवार को भी कह सकते थे हम कि मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा तो इस सवाल का जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा तिरपन का आंसर चलिए चौवनवे सवाल के पास चलते हैं सवाल है कि मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ ये वाला और नहीं होने का बच्चा ये वाला और होगा कि मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा तो चौवन नंबर का सवाल हमारे का सी होगा आगे देखो क्या है मेरे शेर? आगे है कि सीता राम की स्त्री थी बच्चे सीता राम की स्त्री थी तो इस सवाल में आप कहेंगे भैया स्त्री नहीं थी वो पत्नी थी सीता जी राम की क्या थी पत्नी थी आगे है गत वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है बच्चे गत वर्ष मतलब बीता हुआ और जाने वाला है बताइए भाई ये तो भाई बड़ी तो ऐसे कहेंगे हम अगले वर्ष बच्चे क्या गत माने हैं पिछला वर्ष बीता हुआ और यहाँ जाने वाला तो यहाँ तो जोड़ दिया आपने भविष्य से बात यहाँ जोड़ दिया आपने भूत से बात ठीक है तो होना नहीं था भविष्य है तो भविष्य पे ही पहुंचो तो छप्पन नंबर के सवाल का जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी चलिए सत्तावन नंबर का सवाल है छठी का मिठाई याद आना भाई मिठाई नहीं हमने कहावत सुनी कि तुझे छठी का दूध याद आ गया बच्चे कहते ना ज्यादा पीठ दो तो ना छठी का आ गया ना दूध याद आगे देखो क्या अट्ठावन नंबर के सवाल में कि लड़के ने पत्र लिखी बच्चे लड़का है और लिखी लड़की होता तो चल जाता तो आप कहेंगे या चिट्ठी होता लड़के ने चिट्ठी लिखी तब तो होता लेकिन लड़के ने पत्र लिखा तो मेरे शेर इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आगे देखो क्या है यहां से आगे है महासागर पर पुल बन जाने पर रावण को आश्चर्य हुआ बच्चे रावण को आश्चर्य होगा कि पुल बन गया बताइए बताइए आश्चर्य करेगा रावण तो आप कहेंगे नहीं भैया रावण क्या करेगा विषम करेगा यार ऐसा कैसा हो गया आगे है अंधो में काना राजा होता बच्चे रानी हमने नहीं सुना अंधो में काना राजा होता है तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा जो साठ नंबर का सवाल है चलिए इकसठ सवाल के पास चलते हैं भाई अपना दोष दूसरों के सिर पर क्यों जड़ते नहीं होता बच्चे मंडना होता है मंडते हो अपना दोस्त दूसरे के सिर पर क्यों मंडते हो यहाँ से आप पढ़ोगे इनको बहुत अच्छे से कर पाओगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है अगला सवाल है दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं बच्चे यंत्र में कर सकते हैं बताइए दूरभाष यंत्र में करेंगे या दूरभाष यंत्र से करेंगे आप कहेंगे भी दूरभाष यंत्र के द्वारा भी कह सकते हैं हम इसको के दूरभाष यंत्र के द्वारा यंत्र द्वारा कर सकते हैं जब से नहीं है तो कर सकते हैं दोबारा पे लगा दो आगे देखो यहाँ से क्या है कि उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है बच्चे सेक्रेटरी लगा हुआ नहीं होने का उसका भाई सेक्रेटरी है ठीक है उसका भाई क्या है इस समय सेक्रेटरी है तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा अगला सवाल है प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा परिचार्य ने हमको समझाया कि ठीक है तो प्राचार्य की अगर यहाँ से बात की जाए चौसठ नंबर के सवाल की तो प्राचार्य ने हमें समझाया हमको नहीं बच्चे यहाँ हमें ही आ जाता खाली तो ऑप्शन नंबर जो सी है सवाल का बिल्कुल सही जवाब है कि ये वाली लगेगी कभी आप इसको लगा बैठो ठीक है चलो एक और अच्छा सा सवाल है श्याम बेटे को पत्र लिखा श्याम बेटे को या श्याम ने बेटे को पत्र लिखा ठीक है तो श्याम नहीं आएगा यहाँ से जहां तक है देखो अब ऑप्शन देखते हैं हम क्या होगा बिल्कुल श्याम ने बेटे को पत्र लिखा ऑप्शन नंबर नंबर ए जो का सवाल है श्याम ने बेटे को पत्र लिखा चलिए छियासठ में बात करते हैं कि मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा नहीं कहते बच्चे आकांक्षा नहीं कहते मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ कि आप सदा सुखी रहो आप जल्दी से नौकरी पालो अगला देखो क्या है किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं तो मेरे भाई इस सवाल में देखो हम लोग क्या करेंगे कि उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं ही नहीं आने का यहाँ आदर्श विद्यार्थी लगा दो खाली ही को हटा दो आगे है जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़े इसको हम किस प्रकार करेंगे आप कहेंगे भैया किस प्रकार करना है कि मोर अथवा दिखाई पड़ेगी बच्चे पड़ेगा नहीं क्योंकि लास्ट में मोरनी का जिक्र हुआ है तो जो बच्चे स्त्रीलिंग ही आना चाहिए लास्ट में तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है आगे है हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी बच्चे गले में नहीं पैरों में क्या होगा पैरों में हमारे पैरों में तो ऑप्शन नंबर सी होगा आगे है इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजड़ा और बसाया गया तो बच्चे जो सत्तर नंबर का सवाल है इसकी अगर बात करें तो दिल्ली भी कई बार उजड़ी और बसाई गई क्योंकि दिल्ली क्या है रोम नहीं लेकिन दिल्ली आपकी एक स्त्री है पर आ, मतलब स्त्री वाचक में आता है तो आप कहेंगे इसमें यहाँ से बसाई गई ठीक है कई बार उजड़ा और बसाया गया दिल्ली बिल्कुल गलत है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं गलत है कई बार उजड़ा और बसाई गई ये देखो ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है आगे है मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसके स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जाती जिसकी स्पर्धा बच्चे स्पर्धा कोई होगा यहाँ से तुलना होगा क्या होगा तुलना होगा स्पर्धा कोई जंग कोई चली। जिसकी तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई आगे है मुझे प्रथम पुरस्कार चाहिए बच्चे पुरस्कार पुरस्कार होता है ना कि पुरस्कार होता है ठीक है ना कि पुरस्कार होता है पुरस्कार होता है तो आप कहेंगे बहत्तर नंबर के सवाल की अगर मैं बात करूं पुरस्कार ही होता है भाई पुरस्कार नहीं पुरस्कार ही होता है और यहाँ से किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुरस्कार ही होता है ये भी गलत है ये भी गलत ये भी गलत तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है पूजनीय गुरुजी आ रहे हैं यहां से तिहत्तर नंबर के सवाल की बात करें तो आप कहेंगे पूजनीय बच्चे पूजनीय में ये जी पूज्य निय कोई होता पूजनीय होता तो पूजनीय कौन सा सही है ऑप्शन नंबर बी वाला ये पूज्य नहीं होता पूजनीय होता आप बोल के ही देख लो आगे है उसे तत्कालिक सहायता चाहिए बच्चे उसे तत्कालिक सहायता चाहिए तत्कालिक नहीं होता मेरे भाई इसको जब आप देखोगे तो ये तात्कालिक होता है और तात्कालिक आपका कहाँ है आप कहेंगे भैया ये तात्कालिक लीक है तात्कालिक लीक होगा छोटी की मात्रा होगी लैप है तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा आगे है हवा जोरों से बह रही है बच्चे हवा जोरों से बह रही है तो आप कहेंगे जो पिछहत्तर नंबर का सवाल है तो हवा जोरों से नहीं हवा जोर से बह रही है क्या है हवा जोर से बह रही है क्योंकि हवा जो है एक बचन में आता ना कि बहु बचन में आ गया है एक वह एक सप्ताह से वापस लौट आया एक सप्ताह में वापस लौट आया ठीक है तो यहाँ से जो छिहत्तर नंबर का सवाल है इसकी अगर बात करें हम लोग तो वापस आया वह एक सप्ताह में वापस आया लौट आया नहीं वापस आया खाली आगे देखते हैं क्या है मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है बच्चे तुम्हारे हित का नहीं तुम्हारे हित के लिए है ऐसे भी तो कह सकते हैं तो आप कहेंगे तुम्हारे हित के लिए है आगे देखो क्या है आप अपनी भाषा में चलो वहां से ही पता चल जाएगा आगे है उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी दया नहीं होता मेरे शेर उसने अपनी भूल के लिए क्षमा होगा देख लो अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्षमा है क्योंकि क्षमा की बात चलेगी यहां से दया का कोई मतलब नहीं है बिल्कुल है क्षमा मांगी आगे है सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई अतिथि ने अतिथि घर चले गए मेरे शेर ऑप्शन नंबर जो डी होगा सेवेंटी नाइन का बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी सही है आगे देखो क्या अस्सी एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही हैं बच्चे एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं यहां से अस्सी नंबर के सवाल की बात कर लू तो चर रहे हैं क्योंकि अब कई सारे हो गए एक गाय एक दो घोड़े तीन और एक बकरी ये चार बंदे हो गए और जब ये बहुवचन हो गए तो इनको चर रहे हैं ठीक है आगे है खरगोश निहिर पशु है खरगोश निहिर पशु है तो निहिर नहीं होता मेरे भाई निही निरीह सॉरी निरीह होता है और बड़ी वाला निरीह होता है तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है आगे है यहाँ से बयासीवा सवाल है कि हम हथियारे को हथियारे को मृत्यु दंड की सजा मिलेगी भाई दंड माने तो खुद सजा है तो क्यों यहाँ से सजा की बात कर दी फिर दो सजा क्यों कर दी दंड माने तो खुद सजा है तो आप कहेंगे भैया यहाँ से मृत्यु दंड मिलेगा आएगा खाली मिलेगा सजा तो खुद दंड को कहते हैं और दंड पहले ही आ चुका है यहाँ से अगला है कि गरीबी बेरोजगारी निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है बच्चे काफी अच्छा सवाल और काफी अच्छी इसने लाइनें भी हम लोगों को दी हैं तो ये बच्चे समस्या एक नहीं क्योंकि ये एक दो तीन समस्याएं हो गई तो समस्याएं हैं समस्याएं कहाँ है समस्या समस्याएं और यहाँ समस्याएं जनसंख्या से उत्पन्न ये बढ़ती तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है अठासी का मेरे भाई क्या है अब कहेंगे भैया जो सॉरी तिरासी का जो आप कहेंगे डी है बिल्कुल सही है आगे चलते हैं मैंने दूध पीकर स्कूल गया मैंने नहीं मैं दूध पीकर मेरे शेर तो ऑप्शन नंबर जो ए है चौरासी का बिल्कुल सही है कि मैं दूध पीकर स्कूल गया आगे है अगर तुम गुंडागर्दी से बाज नहीं आए मगर चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा मगर नहीं होता तो तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है अगर तुम गुंडागर्दी से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा भाई ध्यान रखियो इस बात का आगे है महादेवी जी हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी बच्चे सुविख्यात कवित्री बताइए जरा से क्या होगा इस सवाल का जवाब तो आप कहेंगे कवित्री जो है यहाँ से देखेंगे हम लोग तो क्या है बच्चे यहाँ से सुविख्यात थी सुविख्यात थी तो हिंदी का नहीं होगा बच्चे हिंदी का हिंदी की होगा तो हिंदी की कहा है ये हैगा ऑप्शन नंबर बी के पास क्योंकि महादेवी वर्मा एक स्त्री थी आगे है सतासी नंबर का सवाल मेरे शेर यहाँ से क्या दे रखा है कि भारतीय किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसकी पूरी लाभ नहीं मिलता उसकी नहीं बच्चे उसका पूरा लाभ नहीं मिलता तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस सतासी नंबर के सवाल का जवाब बिल्कुल सही है क्योंकि किसान क्या है पुरलिंग है नेक्स्ट है सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है बच्चे उगना होता है या उगता होता है तो सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है क्या है उगता है ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है अगला है वह ऐसा करता आया दिनों नहीं वह प्रतिदिन ऐसा करता आया है मेरे शेर वह प्रतिदिन ऐसा करता आया तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा का बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर डी चलिए एक और अच्छा सा सवाल है कि प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता बच्चे मापा होगा बताइए प्रेम को मापा जाएगा भाई तो आप कहेंगे प्रेम का मूल्य आका नहीं जाता बच्चे आका नहीं जा सकता चलिए एक और अच्छे सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई सवाल है सुमन को अपने रूप पर गौरव नहीं गर्व होगा भाई गर्व कहते ना बड़ी घमंडी है भाई तू तो अपने रूप पर ही बड़ा घमंड दिखा रही है छोभ कर रही है तो बच्चे क्या होगा यहाँ से गर्व नहीं छोभ होगा उसे घमंड है सॉरी क्या होगा भाई इसका गर्व ही होगा भाई सी का तो गर्व होगा क्या होगा उसे अपने रूप पर क्या है गर्व है क्या है बच्चे गर्व है किसको सुमन है एक लड़की उसको ठीक है चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं सवाल यहाँ से है कि कवियों को काव्य के करते समय आनंद में बच्चे काव्य को करते समय बताइए काव्य करेंगे वो आप कहेंगे भैया यहाँ से जो बयानवे नंबर का सवाल है उसका सवाल है कविता करते समय काव्य नहीं कविता करते समय बच्चे चलिए एक और अच्छा सा सवाल है कि महेश चित्रकला का व्यायाम का चित्रकला का व्यायाम का क्या मतलब है चित्रकला भी व्यायाम से बोल लगी अब तो आप कहेंगे अभ्यास करेगा चित्रकला का तो क्या करेगा अभ्यास आगे है कि हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है बच्चे पढ़ा नहीं है बहुत कुछ पढ़ा नहीं है तो आप कहेंगे चौरानवे नंबर के सवाल का जवाब होगा कि बहुत कुछ संकलित है बच्चे लिखा हुआ है लिखने को हम संकलन कहते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है अगला सवाल है तुम इस मूल्य से यह खरीद सकते हो इस मूल्य से बताइए यह इस मूल्य में यह खरीद सकते हो आप बताइए क्या यहां से बेस्ट होगा तो आप कहेंगे तुम इस मूल्य पर यह खरीद सकते हो जो ये पैंट है यह खरीद सकते हो इस मूल्य पर बताइए अगला सवाल है यहाँ से कि सरोजनी नायडू भारत की कोकिला कहा जाता नहीं कही जाती थी बच्चे कहा जाता नहीं कही जाती थी कौन सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता था तो यहाँ से कोकिला कही जाती थी ऑप्शन नंबर जो ए है शेर इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि वे एक लड़की है स्नेह स्नेह उसकी दिशा बिगड़ती गई बच्चे उसकी दिशा बिगड़ती गई तो यहाँ से आप कहेंगे भैया 97 सेवन का जो होगा वो आप कहेंगे दिशा नहीं होती उसकी दशा बिगड़ती गई दशा स्थिति बिगड़ती गई उसकी ठीक है अगले सवाल के पास चलते हैं भैया अगला सवाल यहाँ से है मेरे भाई क्या है कि मेरी बेटा बकरी को घुमाया मेरी नहीं मेरा बेटा बच्चे या मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया तो आप कहेंगे मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया ये बेस्ट लग रहा नाइनटी एट का ए अगला है अधिकतर लोगों का यही विचार है बच्चे अधिकतर आएगा बताइए या अधिकांश आएगा या अधिकतम आएगा या अधिक आएगा या सर्वाधिक आएगा बताइए यहाँ से सारे ऑप्शन खुले हुए तो आप कहें भाई अधिकांश लोगों का यही विचार है अधिकांश लोग यही बात कहते हैं कि आप एस में आपकी बार सेलेक्ट जरूर होगे अगला सवाल है साधु ने चूहे पर दया करा दया करा बच्चे दया जो होता है स्त्रीलिंग होता तो दया करी होता है या तो ऐसे मान लो और उसे बिल्ली बिल्ली बना दिया ठीक है तो दया की होगा बच्चे करीबी नहीं होता की होगा क्या होगा दया की तो आप कहेंगे यहाँ से किस ऑप्शन में है साधु ने चूहे पर दया की तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो सो का क्या होगा ए होगा अगले सवाल के पास चलते हैं भी अगला सवाल है कि मिठाइयाँ लेकर विजय बाबू घर चला गया घर चला गया या घर चले गए तो आप कहेंगे विजय के आगे बाबू भी लगा दिया और चला गया भी कह दिया तो आप कहेंगे घर चले गए भाई घर चले गए ठीक है गए अगले सवाल के पास चलते हैं, देखो यहां घर चले गए इनमें इनमें और इन अंतर देखो स्पष्ट एक सा ही है बस खाली तो ध्यान रखना ये वाला लगाएंगे आप ना गए ए वाला लगाएंगे आगे देखो क्या है कि तुम्हारे गुरुजी तुम की प्रार्थना स्वीकार तुम्हारी बच्चे तुम की क्या मतलब है भैया बताइए तुम की क्या मतलब होगा तुम्हारी तो हो भी सके इस सवाल का जवाब तो आप कहेंगे तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे हमारे गुरुजी, हमारी प्रार्थना स्वीकार जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है तब जीवन में पिछड़ जाता है नहीं जी वह जीवन में होगा भाई वह जीवन में जो जो ठीक है जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है वह जीवन में पिछड़ जाता है ध्यान रखना इस बात का अगला सवाल है के किसी की टोपी घर पर छूट गई और किसी की चश्मा गिर गई बच्चे चश्मा गिर गया होगा चश्मा पुरलिंग में आता तो गिर गया होगा चश्मा गिर गया किसी के चश्मे गिर गए किसी का चश्मा गिर गया ऑप्शन नंबर ए जो है एक सोचार का बिल्कुल सही जवाब है चलिए एक और अच्छा सा सवाल है कि मुंबई जैसे शहर में अच्छा मकान मिलने बहुत मुश्किल है अच्छा मकान मिलने नहीं मकान मिलना होगा बच्चे, बच्चे मिलना अच्छा मकान मिलना होगा यहाँ से क्योंकि मकान एक मकान की बात चल रही है तो मिलना क्या होगा एक बचन ही होगा तो अच्छा मकान मिलना होगा मेरे शेर ना कि बहुत सारे होंगे तो आप कहेंगे अच्छा मकान मिलना ऑप्शन नंबर सी के पास है नेक्स्ट है मोहन को काट कर भाई मोहन को काट कर सेब नहीं खिलाना सेब को काट कर मोहन को खिलाना है तो आप कहेंगे भैया मोहन से सेब काट कर गलत गलत मोहन को सेब काट कर खिलाओ भाई मोहन को खिलाओ ये आया है हमारे घर इसको सेब काट कर खिलाओ ना कि मोहन को काट कर सेब खिलाओ ठीक है चलिए अगला सवाल है कि जीवन के इस पड़ाव पर आकर उसे उसके व्यवहार में ठहराव आ गई है ठहराव आ गई नहीं ठहराव आ गया है ठीक है उसके जीवन में क्या आ चुका है बच्चे आप कहेंगे भी है, उसके जीवन में ठहराव आ गया वो अब ठहराव में है चलिए अगला है रात होने के कारण जहां रुके हैं यहाँ पर डेरा डाल लेते हैं जहां रुके हैं वहीं पर ही डेरा डाल लो भाई जहां यहाँ नहीं होगा वहां होगा जहां रुके हैं वहीं पर डेरा डाल लो तो इस सवाल का जवाब हमारे का डी होगा 108 का बच्चे यहाँ से सोचना भी है ऐसे नहीं ऐसे ही लगा दिया ठीक है चलो अगला सवाल देखो यहाँ से मेरे भाई क्या है कि मैंने इन सब बातों को गहराई पर बच्चे इन सब बातों को गहराई पर बताइए या इन सब बातों Uh, uh, को गहराई पर तो आई नहीं सकता क्या इन सब बातों पर गहराई से होगा बातों को गहराई से बातों से गहराई की बातों पर गहराई की तो इस सवाल का जवाब क्या होगा आप कहेंगे भैया इन सब बातों को गहराई से अनुभव किया गहराई से इन सब बातों को गहराई से अनुभव किया तो एक सौ नौ नंबर का जो सवाल है उस सवाल का जवाब हमारे का बी है अगला सवाल है मुझे पनीर की मिठाई बहुत पसंद है बच्चे पनीर की मिठाई बहुत पसंद है मुझे पनीर का नहीं होने का पनीर की होगा तो आप कहेंगे भैया पनीर की मिठाई ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है 110 नंबर के सवाल का जवाब चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि दिवाली के त्योहार पर बाजार में दुकानों की सजी हुई है दुकानों की नहीं होने का दुकानें भी सजी हुई है मेरे शेर दुकानों दुकानें भी सजी हुई हैं ऑप्शन नंबर बी होगा दुकानें दुकानों नहीं होगा दुकानें भी सजी हुई हैं तो 111 नंबर के सवाल का जवाब हमारे का बी होगा आगे देखो 112 नंबर का सवाल यहाँ से है कि इस समय हमारे देश से भावनात्मक एकता की आवश्यकता है देश से नहीं देश को या देश कोई होगा इस समय हमारे देश को भावनात्मक तो बच्चे इस सवाल का जवाब भी हमारे का बी ही होने वाला है जो 112 नंबर का सवाल है उस सवाल का जवाब भी मेरे भाई बी ही है अगला है कि नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए बच्चे साबुन के नहीं साबुन से कपड़े धोए ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी जो है एक सौ तेरह का बिल्कुल सही जवाब है चलिए एक और अच्छा सा सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे लग चुका है सवाल है यहाँ से कि नदियों के पानी की स्वच्छता स्वच्छ सॉरी नदियों के पानी को स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं नदियों के पानी को आएगा बच्चे ना की की तो नदियों के पानी को ऑप्शन नंबर जो बी है एक सौ चौदह का वो सही है चलिए एक सौ सवाल के पास चलते हैं सवाल है यहां से कि आकाश साफ व स्वच्छ थी थी नहीं आकाश क्या है पुरलिंग है तो आकाश साफ व स्वच्छ था तो मेरे शेर इस सवाल का जवाब ए होगा चलिए अगला सवाल आपके पास आ चुका है कि रोगी के आसपास हमें भीड़ नहीं लगाना चाहिए भीड़ नहीं लगाना नहीं भीड़ क्या होता स्त्रीलिंग होता है भीड़ नहीं लगानी चाहिए तो लगानी किसमें लगनी नहीं लगानी चाहिए इसका भी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल जवाब करेक्ट आया है चलिए एक और अच्छे से सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई सवाल है यहाँ से कि अपनी गलतियों को समझते हुए भी उसे सुधारते का प्रयास नहीं करता सुधारते नहीं सुधारने का प्रयास नहीं करता सुधारने का प्रयास बच्चे सुधारने का प्रयास तो आप कहेंगे सुधारने का प्रयास कहाँ है ऑप्शन नंबर डी के पास है किसके पास है ऑप्शन नंबर डी के तो चलिए बच्चे देख लीजिए ये जो है हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है और हम अपनी वीडियो को भी बच्चे आज यहीं पर विराम देते हैं वीडियो का देखो पीडीएफ जो है पीडीएफ ये डिस्क्रिप्शन में इस इसका मैंने लिंक दे दिया वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको अंकित भाटी सर की सारी बुक्स की पीडीएफ पूरी पूरी मिल जाएगी तो चलिए बच्चे कल फिर अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सब बच्चों को जय हिंद